हाय गाइज, आज मैं सफलता के सूत्र के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब भी आपके सामने कोई लक्ष्य है, आप सफलता के ऊंचे शिखर को छूने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके पास सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण शस्त्र होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच। पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात अंधेरे में भी राह बनाने की कला, दुख को भी सुख में बदल देने का गुर आपको जीने के इसी गुर से परिचित कराती है यह पॉजिटिव थिंकिंग। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहला है, जीवन में सफल होने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन केंद्रित हुए बिना, मेहनत किए बिना व दृढ़ संकल्प के बिना तो इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। दूसरा, सोचे योजना बनाए, काम में जुट जाए और बस पा ले, यही सफलता का राज है। आप जो भी करें आपके लक्ष्य की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको मंजिल और रास्ते का पता होना जरूरी है। आपको अपने समय का पूरा इस्तेमाल करना सीखना होगा। कोई भी प्रत्येक क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हर चीज में सिद्ध होना कठिन है। अपने काम में श्रेष्ठता पाने के लिए आपको वर्तमान पर ही केंद्रित करना हो सीखना होगा। वर्तमान ही तो वास्तविकता है। चिंता से बचने के लिए एकमात्र तरीका है व्यस्त रहें। एक योग व कुशल व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। वह अपनी सेवाओं के बदले उचित धनराशि की मांग कर सकता है। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, इसके लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सफलता पाने के लिए कोई भी काम करो, लगातार करो। यदि आप शारीरिक रूप से फिट न हो तो लगातार काम करते रहें। पर्याप्त मात्रा में नींद ले, यह आपको तरोताजा रखती है। भूखे व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है। काम की गुणवत्ता तभी बेहतर हो पाती है जब उसे कराते समय पूरी तरह एकाग्र हो सके। जो कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, उन्हें मंजिल मिल जाती है। जो कहते हैं कि वे नहीं कर सकते, वे मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वयं पर तथा ईश्वर पर भरोसा रखें। सफल व्यक्ति किसी भी काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करने का विचार करते रहते हैं। बेहतर नतीजा पाने के लिए जरूरी है कि आप किसी योग्य व्यक्ति से ही काम करवाएं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। विज्ञापन को आकर्षक इसलिए बनाए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस उत्पाद को खरीदें। हुनर सीखे बिना और केंद्रित हुए बिना जीवन में कुछ भी पाना असंभव है। ज़्यादातर अमीर लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में विशेषता प्राप्त की है। जो भी काम हम बार बार करते हैं, अच्छा या बुरा, उसी से हमारा चरित्र बनता है। सफलता पाने के लिए चार चीज़ें बहुत मायने रखती है। सपने, एकाग्रता, बुद्धिमत्ता और विश्वास। व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो अपने भीतर छिपे उस हुनर को पहचान कर उभारें।
जीवन में थम कर बैठने की बजाय बेहतरी का कोई ना कोई उपाय आजमाते रहें। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इससे अपनी आजीविका कमा सके और आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। केवल स्वास्थ्य शरीर में संपूर्ण रूप से सकारात्मक विचार आ सकते हैं। काम को टालना और देर से करना यह सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी समस्या का हल यही होता है कि आप काम को टाले बिना फैसला ले और बस शुरू कर दें। लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट है हमारी नकारात्मकता। नकारात्मक आदतें ही हमारे असफलता का सबसे बड़ा कारण होती है। सफलता की राह में एक बाधा है, तैयारी की कमी। इस दुनिया में कुछ भी पका पकाया नहीं मिलता। थॉमस एडिसन ने कहा है कि कितने ही लोग घबरा कर पीछे हट जाते हैं जबकि मंजिल पास ही होता है। आप वर्तमान से ही आरंभ करके मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इसलिए बेहतर भविष्य की अपेक्षा में अपनी वर्तमान की उपेक्षा न करें। लोग अपने चुने गए क्षेत्र में सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी काम निरंतर नहीं करना चाहते। लक्ष्य प्राप्ति, लगातार काम करते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। हमें सदा अपने वर्तमान पर नज़र रखनी चाहिए ताकि सामने आने वाली बाधाओं से पार पाया जा सके। व्यवस्थित होने व व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है। जीवन जितना सादा होगा, इसकी खुशी उतना ही ज़्यादा होगी। प्रगति और विकास से जुड़े कामों को अपनी प्राथमिकता बनाए। आपको जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो इन दीर्घकालीन लक्ष्यों व कामों को भी नज़र अंदाज न करें। कपड़ों से ही आदमी की झलक मिल जाती है, आपकी इमेज से ही सफलता का गहरा नाता है। अगर कोई आदमी अपना ध्यान रखता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह अपने ग्राहकों को पूरी सेवाएं देना और उनका ध्यान रखेगा। प्रसन्नता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी करे प्यार से करे, काम को बोझ या साझा ना माने। किसी के लिए भी बुरा ना बोले। भगवान न जाने कब कहाँ कौन काम आ जाए। अच्छे संबंध एवं गुडविल बनाने के लिए हमेशा दूसरों की मदद लेने के लिए तैयार रहें। अच्छे उत्तर या प्रतिक्रिया देने की बजाय दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण समझे, वह उसकी कदर करें। सफलता के लिए अपने दिमाग को सही ठिकाने पर और सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी होता है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता का सफलता असफलता को
जाने मेरे मन बिना में चिल्ला हम सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। संभव पर की है बिलाल लोग तो वो ना।